विश्व के इतिहास में आज का दिन बेहद ही खास हो गया। भारत से सटा हुआ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जो आज तख्ता पलट का शिकार, बांग्लादेश में वहां के लोगों का गुस्सा इस कदर चरम पे हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उसके पहले क्या कुछ हुआ था वो समझना बेहद जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश में ऐसी नौबत क्यों आई कि वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से महीनों से वहां के जो नौजवान हैं वो नाराज थे सरकार और कोर्ट के फैसले की वजह से। दरअसल जिस आरक्षण की दुहाई भारत में तमाम राजनीतिक दल के नेता दे रहे हैं, आरक्षण के लिए कोटे में कोटे की बात हो रही है, सहयोगी भी दुश्मन बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ में बांग्लादेश के अंदर ये गृह युद्ध शुरू हुआ। हालांकि गृह युद्ध नहीं कहेंगे लेकिन हालात वैसे ही बने हुए हैं। जो वहां के नौजवान है वो सड़कों पर उतर गए, पहले छात्रों ने मोर्चा संभाला और वो हुंकार इस कदर भरी उन्होंने कि ये सीधे तौर पर वहां की सरकार की चूले हिल गई, बांग्लादेश की ईट ईट हिल गई। दरअसल 71 के वक्त जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई थी उनके परिवार के लोगों को, उनके समाज के लोगों को बांग्लादेश की जो तत्कालीन सरकार थी और जो वर्तमान सरकार थी वो आरक्षण में लाभ दे रही थी कि सरकारी नौकरियों में उनको लाभ मिलता था और ये लाभ का जो सीमा था वो 30 से लेकर 70% के बीच था, अलग अलग लोगों को अलग अलग लाभ, ये लंबे समय से चल रहा था। लेकिन अब जब वहां का युवा पीढ़ी आगे आया तो उन्होंने कहा कि अब हमें आरक्षण वाली सीमा को रोकना होगा, अब आरक्षण नहीं चाहिए। अगर आरक्षण देने का पैमाना सरकार और सरकार को तय करना है तो उसके लिए वो नई मापदंड बनाए और 5 से 7% जरूरतमंदों को दिया जाए। इस बीच बांग्लादेश की जो सरकार है उनके यहां मामला चल रहा था कि वहां से न्यायालय से कोर्ट से एक फैसला आया जिसमें आरक्षण के जो समय जो सीमा है उसे लेकर एक फैसला आया और उस फैसले के विरोध में लोग सड़क पर उतरे, सरकार अड़ी रही, स्थानीय लोग उग्र होते गए, पुलिस से भिड़ गए, खूब हंगामा हुआ। वो तस्वीरें जो है वो दुनिया को जब दिखी दुनिया भर के लोग हैरान और चिंतित हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ठीक इसी घमासान के बीच फैसले वापस भी हुए लेकिन लोगों का गुस्सा वापस नहीं हो रहा था, सरकार के तानाशाही रवैये से लोग नाराज थे। लोगों ने कहा कि ये जो शेख हसीना की जो सरकार है वो तानाशाह है। दरअसल इस पूरे हंगामे के पीछे बांग्लादेश के अंदर हुए चुनाव की भी पटकथा जो है वो भी कहीं ना कहीं शामिल है। दरअसल बांग्लादेश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने शेख हसीना के रवैये से नाराज होकर चुनाव में हिस्सा लेना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और चुनाव का बायकॉट कर दिया। शेख हसीना चौथे टर्म अपने चौथे कार्यकाल के लिए उन्होंने चुनाव करवाया और खुद उनकी ही पार्टी चुनाव के मैदान में उतरी और जितना बहुमत चाहिए था बहुमत के हिसाब से उन्होंने मैदान में उम्मीदवार उतारकर जीत खुद डिक्लेयर करवा लिया, प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बांग्लादेश के हालात और वहां के लोगों का जो गुस्सा था वो अब फूटने लगा। गुस्सा का अंबार इस कदर फूटा कि आज वो प्रधानमंत्री के आवास पर फूट गया। शेख हसीना सुबह सुबह अपने लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ बांग्लादेश के राजनीतिक हालातों को देखते हुए, बांग्लादेश के तमाम जो स्थितियां उसको देखते हुए लंच की तैयारी कर रही थी, नाश्ते की तैयारी कर रही थी, घर में रसोई में पकवान बन रहे थे, मर्ग मुसल्लम दावत मतलब चूल्हे पर चढ़े हुए थे। शेख हसीना अब नाश्ते के टेबल पर जाने ही वाली थी कि इसी बीच बड़ी ही संख्या में, बड़ी भारी तादाद में स्थानीय लोगों का गुस्सा प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गया। सुरक्षाकर्मी भाग गए जान बचाकर, शेख हसीना जिस कमरे में मौजूद थी उन तक ये बात पहुंची। उसके बाद उन्होंने दो बड़े बड़े सूटकेस पैक किए बिना वक्त गवाए और प्रधानमंत्री कार्यालय जो घर और कार्यालय के बीच की जो दूरी है इस बीच एक गाड़ी आकर रुकी और शेख हसीना खाना नाश्ता किए बगैर छोड़कर जितना सिमट सका जो हाथों में वो उठा सकी उसको हाथों में पकड़ा, कुछ कपड़े चुनिंदा कपड़े लिए,
दो सूटकेस में जितने सामान हटे उसे लेकर एक काले रंग की गाड़ी में बैठी और उसके बाद एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ गई। लोगों ने जब यह तस्वीर देखी तो उनका गुस्सा और सातवें आसमान पर चढ़ गया। दरवाजे तोड़ दिए, घर के अंदर प्रवेश किए और पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। चूल्हे पर, खाने की मेज पर चिकन, मुर्ग मसल्लम, कबाब, बिरयानी पड़ा हुए थे। लोगों ने छक कर खाया। ये गुस्सा लोगों का था। घर में, पूरे घर के अंदर घुस के लोगों ने तोड़फोड़ की। शेख हसीना से नाराज लोगों ने वहां पर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। और इस बीच एक विशेष विमान से शेख हसीना हवा में उड़ते हुए लोगों को जानकारी में आई। ट्रैकिंग शुरू हो गया कि आखिर यह विमान कहां जा रहा है। यह विमान बांग्लादेश की हवाई सीमा को पार करके भारत की हवाई सीमा में प्रवेश कर गया। और इस बीच शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र उन्होंने दिया। अब बांग्लादेश की कमान वहां की सेना के हाथों में है। वहां से पुलिस को हटा लिया गया, सेना को तैनात कर दिया गया। सेना ने स्थिति को नियंत्रण में लेने की कवायद तेज कर दी। लेकिन यह सब कुछ हुआ क्यों? आखिर शेख हसीना दो खाना खाने जा रही थी, नाश्ता करने जा रही थी, उनके लिए कबाब बने हुए थे, लेकिन वो खा नहीं पाए, निवाला उनको नहीं मिल पाया। जैसे तैसे वो अपने कपड़े समेट कर जिस विमान से बांग्लादेश से उन्होंने उड़ान भरी थी वो विमान भारत में लैंड किया। फिलहाल वो भारत के पनाह में है, भारत की सुरक्षा में है। अब इसे लेकर गुस्सा लोगों का आसमान पे है। वहां के लोगों ने बांग्लादेश के पूर्व के जो नेता थे, शेख हसीना के परिवार के जो सदस्य थे, और उन लोगों की मूर्तियां तबाह कर दी गई, तोड़ दिया गया, कई जगहों पर आगजनी कर दी गई। लेकिन वहां के लोगों का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ और यह पहली बार नहीं हुआ। इस तरीके से कई तस्वीरें देश से दुनिया से निकल के आई। अभी हाल ही में महंगाई के मुद्दे पर श्रीलंका के अंदर तख्तापलट इसी तरीके से हुआ था। जो तस्वीरें बांग्लादेश से निकल के सामने आ रही है वो तस्वीरें चिंता की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों को देखकर जो लोग इसमें जो इंजॉय कर रहे हैं, जो लोग मस्ती कर रहे हैं, जो लोग जिनको ये मजाक समझ में आ रहा है या मस्ती समझ में आ रहा है, ये चिंता है हर उस देश के लिए, हर उस देश के लोकतंत्र के लिए जहां के लोग सरकार पर भरोसा करते हैं। अगर भरोसा टूटेगा तो हालात ऐसे ना बन जाए, इसे रोकने की जरूरत है और ऐसी नौबत दोबारा किसी देश के अंदर ना हो। कई देश इसके कगार पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन मुद्दों पर बातें हो रही। लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर जो बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, ऐसा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था जिसके लिए तख्तापलट किया गया है। बल्कि बांग्लादेश के अंदर जो वहां की सरकार थी उसके कुछ फैसले की वजह से लोगों की नाराजगी दिखाई पड़ रही थी। आखिर बांग्लादेश के अंदर यह तमाम घटनाएं क्यों घटी, हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन भी है। रंजन, बांग्लादेश में आज जो हुआ वो आने वाले वक्त में कई देशों के लिए चिंता की बात है। आखिर ऐसे क्या नौबत थी कि बांग्लादेश के अंदर हालात इस तरीके से बने? देखिए, वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा था कि वहां आरक्षण खत्म है, क्योंकि वहाँ 1971 के बाद जो भी वहाँ पर सोता था सेनानी लोग थे, उनके बेटे बाल बच्चे सबको जो है वहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा था, जिस और बहुत ही बड़ी मात्रा में 30% आरक्षण दिया जा रहा था, जिसके कारण वहाँ के युवाओं जो थे, नहीं अब ये बहुत हो चुका, अब ये एक पीढ़ी को मिल गई, हाँ, दो पीढ़ी को मिल गई, तीन पीढ़ी को मिली, अब इसको इनफ करना, अब नए लोगों को नए सिरे से बहाल किया जाए, ऐसी कुछ बातें थी। बिल्कुल। और दूसरा बात यह था कि वहां पर बहुत ही ज्यादा आरक्षण था, 57% तक भी पहुंच रहा था, जिसके कारण 2018 में जो है कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया था। लेकिन फिर वहां लोअर कोर्ट के फैसले थे, हाई कोर्ट के फैसले थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया, फिर बहाल कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद जो है ये 2 हफ्ते पहले फिर बांग्लादेश की सरकार जो है इस बैकफुट पर आई, बैकफुट पर, और इस आरक्षण को खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी वहां का जो लोगों का गुस्सा जो एक बार निकल चुका था सड़कों पे वो वापस नहीं जा रहा था। बिल्कुल। और ये अलग ही मोड़ ले लिया और ये और ऐसा सिचुएशन हुआ कि वहां पर राजनीति अस्थिरता बन गई। अभी शेख हसीना भारत आ चुकी है जी, उनके विदेश जाने की भी चर्चे हैं। अब क्या हो सकता है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि सेना के हाथों में कमान है,
जी देखिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है अभी, क्योंकि भारत से सीमा बहुत बड़ी साझा करता है, और हो सकता है बांग्लादेश में अस्थिरता बनी हुई है तो वहां पर से बहुत सारे बेरोजगार ये सब जो लोग हैं भारत की ओर शरण लेने के लिए आए। एक और बड़ा सवाल है रंजन की, बांग्लादेश में जब शेख हसीना जब वहां की प्रधानमंत्री थी तो उनके समर्थकों के लिए तो मुश्किल का दौर है, शेख हसीना भाग गई। जी अब वहां के जो लोग हैं जो शेख हसीना के साथ खड़े थे वो उन प्रदर्शनकारियों के बीच फंसे हुए हैं, तो उनके पास क्या विकल्प बचता, वो क्या सरेंडर करके क्या कर पाएंगे, क्या वो भी भागेंगे भारत के बॉर्डर पर तैनाती कर देंगे सुरक्षा बलों की। रिपोर्ट निकल के सामने भी आ रही है कि शेख हसीना का जो पार्टी का दफ्तर सब वहां पर आग भी लगाया जा रहा है। नहीं वो सवाल तो ठीक है, लेकिन शेख हसीना के जो समर्थक थे वो कहां जाएंगे, शेख हसीना तो खुद बचकर निकल गई लेकिन उनके झंडे ढोने वाले लोग उनके साथ खड़ा रहने वाले लोग वो कहां जाएंगे, उन क्या वो भी भारत की तरफ बढ़ सकते हैं, उनके लिए चुनौतियों का सामना हो सकता है बिल्कुल, और वो भारत की ओर देखेंगे, राह देखेंगे कि भारत की हमारे मदद करे, और ये शरणार्थी के हो सकता है भारत में तादाद बढ़ सकती है बांग्लादेश में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजन। तो एक बार फिर से भारत के अंदर बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो हालात बने हुए हैं शेख हसीना और उनके समर्थकों के लिए, अब जो वक्त शुरू हो रहा है वो मुश्किल वाला है। शेख हसीना तो निकल गई, बाकियों का क्या होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो, क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।